आए थे हम ओवर है और पार्टी बहुत अच्छी है, मजा आ गया लिटरली। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज योर वीके एंड वेलकम बैक टू माय चैनल घुमक्कड़ वीके। तो आज तारीख है 10, दिन के बज रहे हैं 1:30 और ये मेरा व्लॉग नंबर है 5। तो बेसिकली मैं मुंबई से जब आया दिल्ली, तो मैं दिल्ली भी नहीं एग्जैक्टली नोएडा आया, हमारे एक बहुत ही अजीज मित्र हैं बचपन के, उनकी बैचलराइट के लिए। तो जाहिर सी बात है बैचलराइट के तो वीडियोस व्लॉग्स पे नहीं डाल सकते, दैट्स अ पर्सनल पार्टी। बट हम लोग हैं अभी नोएडा में, सैंडलवुड्स फ्रेजर सुइट्स करके एक होटल है उसमें, और यहाँ से अब हम लोग अपने काम की तरफ प्रस्थान करेंगे चेकआउट करके। और क्योंकि कल रात को बहुत लेट हो गए थे आने में, और मतलब मैं ऑलमोस्ट पार्टी में पहुँचा रात के 12:30 बजे, यहाँ पहुँच गए थे जल्दी, लेकिन उसके बाद रेडी हुए, थोड़ी थकान उतारी, कुछ खाया पिया, और उसके बाद हम लोगों ने पार्टी अटेंड करी। एंड अभी हम जा रहे हैं चेकआउट करके रिसेप्शन पे, जहाँ पर मैं आपको मिलाने वाला हूँ अपने बैचलर फ्रेंड से। तो मुझे लगा कि अब होटल में रुके तो एक रूम का छोटा सा एक शॉर्ट वॉक अराउंड तो होना ही चाहिए, क्यों। सो दिस आर लिविंग रूम, दिस आर बेडरूम। हाँ थोड़ा मैसी है क्योंकि रात को चेकआउट किया था तो हमने बहुत ही गंदा कर दिया है। और इस तरफ है अपना वार्डरोब है और अपने बैग्स रखे हैं, और उसके अंदर जाके है वॉशरूम। यहाँ की बैल्कनी भी बहुत सुंदर है, मैं बैल्कनी भी दिखाना चाहूँगा। तो ये हमारी बैल्कनी है रूम की, और ये यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू है, इफ़ यू कैन सी। यस ऑफ कोर्स अभी थोड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्शन है पूरा का पूरा कंपाउंड, बट बहुत ही जल्दी ये बन जाएगा और बहुत सुंदर तब दिखेगा। तो ये हैं हमारे अरोड़ा जी, जिनकी बैचलराइट में डायरेक्ट मुंबई से आए थे हम। अरोड़ा जी कुछ कहना चाहेंगे, आप कैसी रही कल रात की पार्टी? बहुत बढ़िया पार्टी यार, इधर देख के बोलो, बहुत सारे लोग आपको देखना और सुनना चाहते हैं। पार्टी बहुत अच्छा, विवेक भाई हमारे आए हैं मुंबई से स्पेशली, मजा आ गया लिटरली। तो मिस्टर शिवम अरोड़ा, आप हमारी दोस्ती के बारे में क्या बताना चाहेंगे? दोस्ती हमारी 15 साल पुरानी यार दोस्ती है, हम साथ मतलब स्कूल से साथ हैं, और भाई भाईचारा इतना अच्छा है हमारा, तो कहने की बात ही नहीं है इसमें। So, 25 अगस्त को इसकी शादी है, बेसिकली यही वो काम था जिसके लिए मैं स्पेशली मुंबई से आया। और बस इससे ज्यादा तो मैं क्या ही बोलूं, आना तो मुझे थोड़ा लेट था इन्होंने। थैंक यू सो मच ब्रदर, जेन्युइनली यार, मतलब ये होता भाईचारा नहीं, एक दिल का एक रिश्ता होता है भाई, मेन चीज। थैंक यू ब्रो, थैंक्स फॉर कमिंग। हाँ तो कल हुआ यूं के क्योंकि रास्ते में थोड़ा सा ट्रैफिक था, मुझे देर हो गई थी, तो मुझे बोला गया कि यार तुम एक काम करो, घर ना जाकर तुम डायरेक्ट जो है यहाँ पार्टी में आ जाओ। सो बिकॉज वी हैव रूम्स, और तुम आराम से यहाँ अपना रेस्ट करना, चेंज करना। बट अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत बहुत लेट पहुँचा, मैं पहुँचा तकरीबन 10 बजे, क्योंकि मुझे मानेसर से, मतलब मानेसर तक तो मैं पहुँच गया था आराम से 2:30-3 बजे तक कुछ ऐसा, बट उसके बाद बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। फिर रास्ते में जो मेरे साथ लोग थे उनको ड्रॉप करना था, कुछ कुछ चीज़ें थी, वो सब करने में मुझे बहुत टाइम लग गया। एंड आई रीच्ड हियर ऑलमोस्ट एट 10 PM। तो यही हुआ कि काफ़ी मतलब देर हो गई, मैं 10 बजे पहुँचा यहाँ पर, और फिर वही रेडी होने में क्योंकि थकावट बहुत थी, रूम सॉर्ट किए और काफ़ी देर हो गई, और मैं अभी तक घर नहीं गया हूँ। एंड आई एम श्योर मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है घर जाकर, क्योंकि मैं दिल्ली आकर भी अभी तक घर नहीं पहुँचा हूँ। तो मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। अभी अभी एक बहुत ही पुराने दोस्त का फ़ोन आया है, उन्होंने मिलने बुलाया है, उन्होंने यहीं पर पास में नोएडा में अपना घर लिया था, तो वो बस रेडी हो गया है। तो अब हम जा रहे हैं उनका घर देखने और ऑब्वियसली उन्हें भी देखने। तो ये हैं हमारे राहुल भाई, कैसे हो राहुल भाई? बढ़िया जी। यही हैं वो दोस्त जिनका घर देखने हम आए हैं, और राहुल भाई के स्ट्रगल्स के बारे में जितनी बात करें उतनी कम है। राहुल भाई बचपन से मतलब लगे हुए कुछ ना कुछ करने में, बचपन से धक्के खा रहे हैं, बचपन से धक्के खा रहे हैं। किसी जमाने में आप ये लगा लीजिए राहुल भाई की पान बीड़ी की दुकान होती थी, और आज की डेट में इन्होंने कितना खूबसूरत घर लिया है,
ये सोसाइटी का लाजवाब है, आप देख रहे हैं। ये है बेसिकली नोएडा का जेपी ग्रीन्स विश टाउन। अभी घर जो है पूरा तैयार हो रहा है। और ये अभी तक हम घर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन घर वालों तक जरूर पहुंचे हैं। कुछ सामान की हमें जरूरत थी, घर से आए हैं हमें सामान देने। ये हमारे छोटे भैया हैं। एक बार जरा मास्क उतार के अपनी शक्ल तो दिखा दो, दुनिया को दिखाओ कितने खूबसूरत दिखते हो तुम। वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। तुम्हारा नाम क्या है भैया? शुभम। अच्छा शुभम भैया, आपका नाम क्या है भैया? शुभम भैया। शुभम भैया, हम आपसे बाद में मिलेंगे, अब हम चलते हैं अपने काम की तरफ। रात को आएंगे घर, मम्मी को बता दीजिएगा। ओके, बाय बाय। कीप अमेजिंग। कीप अमेजिंग व्हाट? ये लिखा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। चलो बाय बाय। तो भाई दिल्ली आए और सारे दोस्तों को पता चल जाए और ऐसा हो किसी से मिले ना, तो ये तो हो नहीं सकता। सभी के बीच में होड़ लग जाती है कौन पहले मिलेगा। तो आज जो है बाजी हमारे बहुत ही प्यारे और अजीज़ जो सरदार जी हैं उन्होंने मार ली है। और अभी तक मैंने उनको कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन मेरे जितने भी करीबी लोग हैं वो सब उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो सरदार जी हमारे हैं कौन। तो ये है हमारे सरदार जी, प्रेजेंटिंग टू यू मिस्टर प्रभजोत सिंह। भाई डीयू के स्टार हैं बहुत बड़े, पता नहीं है आप लोगों को। सर आज कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई आपकी नई जर्नी पे आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और कुछ? टीचर की तरह नहीं, दोस्तों की तरह बात करो यार। बाकी भाई थैंक यू, आप दिल्ली आए और मिले मुझे। अरे यार कैसी यार तुम, बहुत ही तो फॉर्मल बात कर रहे हो। फॉर्मल बात नहीं करनी है। मुझे बात करनी नहीं आती भाई कैमरा में। मैं बताना चाहूँगा, हमारे प्यारे सरदार जी ने जो है अभी पिछले महीने बहुत सुंदर गाड़ी खरीदी है। एंड फाइनली इतनी मेहनत मशक्कत के बाद 9 तारीख को मैं निकला था मुंबई से। 10 पूरा ट्रैवल किया, 9 पूरा ट्रैवल किया, 10 पूरा ट्रैवल किया, काम किए, सब किया। एंड आज फाइनली रात के 10 तारीख की रात के 12:30 बजे, मतलब कि ऑलमोस्ट टेक्निकली 11 हो गई है, मैं पहुंचा हूं अपने घर। और ये हमने कर दिया है अपनी कार पार्क और अब हम चल रहे हैं सीधा अपनी माता जी से मिलने। देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होगा। मुझे तो लगा था मेरा इंतजार हो रहा होगा। हाय। व्हाट हाय? इंतजार हो क्या बोला था? कैमरा देख के इतनी अंग्रेजी। क्या क्या बोला था? ऐसे मिलते हैं? यस, गले मिलवाओ। मैंने क्या बोला था ये बताओ। आजा आजा आजा। मैं अब घर पहुंचा। सबके सामने बोलो। 2 दिन में अब घर पहुंचा है। हाय। इससे पहले ऐसा कभी हुआ है? नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ भाई, आगे तो हमेशा सीधा घर आता है। अच्छा बेटा हूँ ना मैं इसलिए। 2 दिन से इंतजार देख रहे हैं हम तो, तरस गए। हाय तरस गए। और क्या। तो इसी के साथ आज का डे एंड ब्लॉग होता है एंड। मिलते हैं सबसे बहुत जल्दी।